बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद डायरिया जैसी बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बांसगांव तहसील के अंतर्गत संग्रामपुर उनवल ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में शुक्रवार को डायरिया का प्रकोप शुरू हुआ, जिससे लोगों को उल्टी दस्त जैसी बीमारी शुरू हो गई है तथा बीमारी को लेकर गाँव वालों में अफरा तफरी मची है। गाँव वालों से हालचाल लेने के लिए शनिवार को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने उनवल ग्राम सभा का निरीक्षण किया तथा टंकी पर चढ़कर पानी को देखा तथा वहां की व्यवस्थाओं को जाना, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि उनवल ग्राम पंचायत में शुक्रवार की रात से ही डायरिया के काफी मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए वहां पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कैंप करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पानी में लीकेज पाया गया, जिससे दूषित जल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह काम कर रही है। नगर पंचायत एवं जल निगम द्वारा पानी के लीकेज को ठीक कराया जा रहा है और पानी की टंकी को साफ कराया गया। उन्होंने कहा कि गांव वालों को क्लोरीन की टैबलेट, ओआरएस, जिंक, ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया गया है। उन लोगों को पानी पीने के लिए डेमो करके दिखाया जा रहा है और बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुल 30 मरीज पाए गए, जिसमें 26 मरीज डायरिया के हैं और बाकी सर्दी जुकाम बुखार के थे। उन्होंने कहा कि टोटल 26 मरीज डायरिया से प्रभावित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप वहाँ नहीं रहे, सब अपने अपने संसाधन से अपने अपने जगह पर चले जा रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं। की है जहां हम लोग खड़े हैं अभी, इसकी 31/10 यानी कि अक्टूबर माह में पूरी इसकी अंदर से फर्श बनवाते हुए सफाई करवाई गई थी। उसके बावजूद ये घटना हुई तो ब्लीचिंग पाउडर कल भी डलवाया गया है। जहां जहां लीकेज है वहां वहां तुरंत तत्काल प्रभाव से लीकेज बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव और तेजी से हो रहा है। कल रात में फॉगिंग भी हुई है, सीएससी परिसर में भी फॉगिंग कराई गई है। जितने नगर पंचायत से हो सकता है वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, उनमल में परसों से हम लोगों को सूचना मिली है, कुछ छुटपुट मरीज आ रहे थे, लेकिन कल की रात में काफ़ी मरीज आ गए। तो चिकित्सा अधीक्षक ने हमें कल प्रातः फ़ोन किया कि बताया कि मरीज जो है यहाँ पर चिकित्सालय में 3 मरीज भर्ती हो गए हैं और उस एरिया से 10 लोग जो है तकरीबन पेट दर्द, बुखार, उल्टी टट्टी से प्रभावित हैं आए। उनको निर्देशित किया गया कि आप वहाँ पर कैंप लगा दें। कैंप लगाने के बाद एरिया के जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया वहाँ कैंप करें और चूर क्षेत्र का भ्रमण करके देखा जाए। क्षेत्र का भ्रमण करके देखा गया तो वहाँ पर जो है कुछ जगह शायद पानी का लीकेज पाया गया था, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है ये कि निगेटिव प्रेशर की वजह से दूषित जल जो है वहाँ सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ हमारी टीम जो है पूरी कैंप कर रही है, नगर निगम की टीम और जल निगम की टीमें जो हैं जहाँ पर पानी का लीकेज है उसको ठीक कर रही हैं। फूड एंड ड्रग्स के लोग सैंपलिंग कर रहे हैं, जल निगम के लोग वहाँ जो पानी की टंकी है उसको वो टंकी को बता रहे हैं कि रेगुलर भी संक्रमित हुआ है, लेकिन उसके भी पानी की सैंपलिंग कराई गई है। आज मैं, कल भी मैं गया था और आज मैं जा कर के स्वयं खुद देखा हूँ उसको, और देखने के पश्चात टंकी पूरी तरह से सुरक्षित है। बस कहीं लीकेज की समस्या होगी, उसी की वजह से दूषित जल प्रभावित हो रहा है। ग्रामवासियों के बीच में दवाओं का, ORS का, जिंक का, क्लोरीन की टैबलेट का और ब्लीचिंग पाउडर का वितरण कर दिया गया है। लोगों को बताया गया है कि पानी को कैसे क्लोरीनेट करके पीना है, इसका डेमो भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और लोगों में जागरूकता की जा रही है। और अभी वहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है। अगर कैंप की बात हम करते हैं तो आज जो है लगभग जब तक मैं था तब तक 30 मरीज थे, जिसमें 8 मरीज डायरिया के थे, बाकी सभी मरीज जो हैं जुकाम, बुखार और सीजनल के थे। हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती थे, दोनों की कंडीशन सामान्य थी। अभी तक कितने मरीज ग्रसित हैं?
कल 30 16 मरीज थे, आज 10, कुल 26 मरीजों को।